नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। भारत इस समय दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। एक और जहां कोरोना वायरस काफी तेजी से पैर पसार रहा है, वहीं देश के पूर्वी भाग भयानक बाढ़ से परेशान है। असम और बिहार राज्य बाढ़ की भयानक विभीषिका से जूझ रहे हैं। एक तरफ देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, देश में ये महामारी चरम पर है। अब तक 16 लोग से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महामारी के साथ साथ बिहार और आसाम जैसे राज्यों में बाढ़ ने मुसीबत बना दी है। यहाँ बाढ़ के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। असम में 130 से ज्यादा लोगों की मौत बाढ़ के कारण हो गई है, जबकि 17 लाख लोग इस राज्य में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं बिहार में लगभग 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस बीच असम और बिहार के लोगों की मदद के लिए भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा आगे आए हैं। हालांकि विराट अनुष्का ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि उन्होंने कितनी मदद की है। इस कठिन समय में इन दोनों राज्यों की मदद के लिए कई संगठन आगे आए हैं। कप्तान विराट कोहली और उनकी बॉलीवुड एक्ट्रेस पत्नी अनुष्का शर्मा ने 3 ऐसे संगठनों के माध्यम से लोगों की मदद करने का वादा किया है। ये पहली बार नहीं है जब इस पावर कपल ने इस साल प्रभावितों के मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के लिए भी पीएम केयर्स और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में पैसे जमा करा चुके हैं। अब विराट और अनुष्का ने रिपिड रिस्पॉन्स एक्शन एड और गूंज संगठन की मदद करने का फैसला किया है। विराट कोहली ने ट्वीट कर बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं और आप भी जितना हो सके मदद करिए। विराट कोहली ने लिखा, ऐसे समय पर जब हमारा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, उसी समय असम और बिहार के लोग भीषण बाढ़ के कारण पीड़ित हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।